हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों ठीक होगे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज की जो हमारी एडिटिंग है बहुत ही औसम होने वाली है, और हम आज की जो एडिटिंग करेंगे वो अपनी लाइट रूम से एडिटिंग करेंगे, और आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत मस्त लगेगी। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी फोटो को आपको एडिट करनी है आपको उसे ऑन कर लेना है। जैसे कि आज हम आउटडोर की फोटो की एडिट करेंगे, वैसे भी हमने जितनी भी एडिटिंग करते हैं सारे आउटडोर की एडिटिंग रहती है, तो आज कुछ अलग ही अंदाज में एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले करना है कि आपको लाइटरूम ऑन करना है, फोटो ऐड कर लेना है। जैसे कि आपको फोटो ऐड करना है तो आता ही होगा, नहीं आता तो बता देता हूँ क्या करना है। आपको यहाँ पे आ जाना है, प्लस के आइकन पे ओके कर देना है, जो भी फोटो ऐड करना है सिलेक्ट करके आपको टिक मार्क कर देना है, ऐड हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने बहुत सारे फोटोज ऐड कर रखा है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पहली जो पिक है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन करने के बाद सबसे पहले आना है आपको सैचुरेशन टूल पे, और सैचुरेशन के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे आता है कर्व टूल, कर्व टूल में आपको वाइट सेलेक्ट कर लेना है। वाइट सेलेक्ट करने के बाद आपको पहले वाइट को फिक्स कर लेना है कि आपको कितना एक्सपोजर चाहिए, मतलब आपके जो फोटो है पिक्स है इस पे, मतलब बैकग्राउंड में लाइट चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप उसे पहले फिक्स कर लेना। देन उसके बाद आप रेड को सिलेक्ट करके रेड की जो एक्सपोजर है इसको आप हल्का सा नीचे लो कर देना। देन यहाँ से आप इसको हल्का सा अप कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आप कर्व टूल का यूज़ करोगे इसको बहुत अच्छे से करना यूज़, क्योंकि जितने भी एडिटिंग होते हैं सारे कर्व टूल के अंदर ही डिपेंड करता है। अगर आप कर्व टूल को सही से यूज़ नहीं कर पाओगे तो आपके फोटो की जो लुक है वो चेंजेस हो जाएगा। सो जैसे कि मैं इसकी एक्सपोजर को घटा दिया, कॉन्ट्रास्ट को माइनस में कर दिया, शैडो को भी माइनस में कर दिया, वाइट और ब्लैक को मैं कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना है। देन उसके बाद आपको मिक्स टूल पर आना है। मिक्स टूल पे आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ से मिक्स पे ओके कर देना है, और यहाँ जो रेड टोन है रेड टोन को कुछ नहीं करना है, और ऑरेंज टोन को हल्का से यहाँ से ऑरेंज टोन का जो ह्यू है इसको कर देना है माइनस में। तो जैसे देख सकते हो हमारे पास जो फेस है वो रेड टोन पे आ गया हल्का सा, और इसकी जो सैचुरेशन है इसको कर देना हल्का सा माइनस में, और ये इसका जो लुमिनेंस इसको कर देना है प्लस में। तो देख सकते हो आप बिफोर देन आफ्टर कितनी मस्त लुक हो रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आप भी अपने फोटोज़ को ऐसे एडिट कर सकते हो। मैं आपको इसकी प्रीसेट्स भी बना के दे दूंगा, जिससे कि आप अपने फोटो के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये एडिटिंग अच्छी लग रही होगी। तो चलो आप देखता है करना क्या है। ग्रीन पे आना है, ग्रीन की जो ह्यू है इसको भी माइनस कर देना है पूरा, क्योंकि अगर आपके पास कोई फोटो है जिसके ऊपर आपके बैकग्राउंड में कहीं ग्रीन लाइट्स आ रहा है या कोई ग्रीन कलर की बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर जो डिटेक्ट कर ले, तो इसके लिए हम इसे ग्रीन को भी सेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यार इसे बिफोर देन आफ्टर बहुत मस्त लग रहा है। हमारे पास जो एक्वा कलर है उसको हमने सेट कर लिया, और जो ब्लू कलर है इसको ब्लू को भी हम सेट कर लेते हैं, ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है बैकग्राउंड से हमारी जो फोटो है एकदम मैचिंग में हो जाए। तो देख सकते हो इस समय एकदम मस्त लग रहा है। सो ये देख सकते हो ड्रेस एंड बैकग्राउंड दोनों सेम हो रखा है। तो फ्रेंड्स आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सो यार कमेंट में ज़रूर बता के जाना यार कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आप यार अभी तक अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उस पर भी इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले एडिटिंग की जो अपडेट होती है वो हम इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रीसेट्स एंड कौन सा प्रीसेट्स आने वाला या कौन सी एडिटिंग होने वाली है हमारे चैनल पे, सो आप उसे देख के सजेस्ट कर सकते हो कि यार हाँ आप दी जो वीडियो है कौन सी आने वाली है। सो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना कि यार आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। तो चलो आप देख सकते हो फाइनली जो हमारे ये एडिटिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके यहाँ से थ्री डॉट्स पर जाते हैं और सेटिंग्स कर लेते हैं, कॉपी और टूल्स वगैरह सब कॉपी कर लेते हैं, और दूसरे फोटो को और पेस्ट करके देखते हैं कि प्रीसेट्स इसके तैयार हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, देख सकते हो कि यार इसके ऊपर एकदम ऑसम लग रहा है ये फोटो जो है, और प्रीसेट से अप्लाई करने के बाद में। सो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना है।